भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर शुक्रवार को मथुरा के थाना जैद इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब अंबेडकर की जयंती के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान हुए विवाद में जहां कुछ दबंग लोगों ने यात्रा में पथराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर आई पुलिस ने मामले को शांत कराया और पुलिस बल तैनात कर दिया। जानकारी के अनुसार थाना जैद क्षेत्र के भरतिया गांव में दोपहर को गांव के लोगों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी, जिसकी शोभा यात्रा गांव में बड़े धूमधाम के साथ निकाली जा रही थी। और जैसे ही ये यात्रा गांव के बीच में होकर निकलने लगी, तभी गांव के कुछ दबंग लोगों के द्वारा इसको विरोध किया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते गाँव में यात्रा में पथराव होने लगा, जिसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं। वहीं जब घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली तो एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और गांव भरतिया में चल रहे हंगामे को शांत कराया, जिसके बाद काफी देर तक गांव में अफरा तफरी मची रही और फिर मौके पर किसी भी तरह से अशांति न फैले उसे देखकर पुलिस तैनात कर दी गई है। घटना के विषय में गांव के प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि गांव में कल हुई पंचायत में सभी समाज के लोगों के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि आप अंबेडकर जयंती मनाएं और शोभा यात्रा भी निकाल सकते। जैसे ही यात्रा निकाल रहे थे तभी कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध किया और पथराव करते हुए बदतमीजी की, जिसके बाद मौके पर पुलिस आई और मामला शांत कराया गया। वहीं एसपी सिटी के द्वारा बताया गया कि यहां आज बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही थी, जिसमें कुछ लोगों ने विरोध किया। कल पंचायत हुई जब तो उन लोगों ने बोल दिया कि हम जैसे कर लेना, हमें कोई विवाद नहीं है, ठीक है जी, इसमें ये हुआ। पहली बार परंपरा नहीं कर, हाँ पहली बार नई परंपरा क्यों चालू कर रहे हैं जो कि सरकार की तरफ से नियम है, आप प्रधान हैं, आपको उसमें एक्चुअल बात क्या थी ना, वो जैसे मूर्ति पिछले साल हमने स्थापना की तो वहाँ पे किया था, पहले इलेक्शन के टाइम में लेके हमारे एससी लोगों का कुछ विवाद था आपस में, अब वो एक हो गए तो उन्होंने भाई पैसा उगाया और क्या ऐसे कर लेते हैं, बस हो गया। आप प्रधान हैं, जिम्मेदार हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपको मालूम होना चाहिए सरकार की तरफ से साफ गाइडलाइन है। मैंने परंपरा नहीं हुई, मैं मतलब परमिशन कराई तो मैंने जो उनके रूल थे वो फॉलो किए, अब उन लोगों को थोड़ी पता था, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। अब क्या स्थिति है गांव की बात कर रहे हैं? अब तो कुछ नहीं, फिलहाल ठीक है। अभी देख रहे थे माल्यार्पण नहीं करने दिया लोगों ने? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम करवा देंगे। धूमधाम से मनाई गई है? हाँ बढ़िया मनाई धूमधाम से जी। यहाँ पे अम्बेडकर का उत्सव मनाया जा रहा था, रैली निकालने के लिए लेके जा रहे थे और क्या कहते हैं प्रशासन भी साथ में भी था, रैली निकल रही थी, अचानक से ईंट पथराव हुआ, प्रशासन पे भी लगा है, हाथ पैर भी फूट गए हैं बहुत लोगों के, आखिर में रैली नहीं निकलने दी है और अभी तक बहुत तगड़ा दंगा हो रहा है। अच्छा प्रशासन का क्या? प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, प्रशासन बिल्कुल उनकी सपोर्ट कर रहा है, प्रशासन उनकी सपोर्ट कर रहा है, अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने हमसे 15-20 मिनट के, ये घंटा का कभी 5 मिनट का भी 10 मिनट 2 घंटे, अब 4 बज चुके हैं, अभी तक कुछ भी हल नहीं निकला है। आज पूरे जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मदिन का उत्सव परंपरागत और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है, उसी क्रम में यहाँ पर एक नया उत्सव मनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें एक कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, उस विरोध को देखते हुए यहाँ पुलिस तैनात की गई है और गांव में शांतिपूर्ण है, उनका उत्सव चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब हो। सर कुछ अफवाह फैलाई जा रही है, कुछ लोग घायल हुए हैं, इस पथराव भी हुआ है, क्या कुछ लोग घायल हुए, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए? कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया था, किसी को कोई चोट नहीं है, कोई पुलिसकर्मी नहीं घायल है, कोई पब्लिक का आदमी नहीं घायल है, कहीं किसी को चोट नहीं लगी है।